नसीबा भी क्या रंग लाया, कहाँ लग हमको मिलाया। दोस्तों, समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दाने दाने के लिए, एक एक रुपये के लिए तरस जाते हैं। भगवान ने उनको सब कुछ दिया है, गल्ला गजा है, पैसा धन सब कुछ दिया है, लेकिन अच्छा भोजन, पेट भर खाना और एक एक रुपये के लिए तरसते रहते हैं और दूसरों के साथ छल करके उसको किसी तरह उसका ले लेते हैं, उसका हक छीन लेते हैं। तो कुछ ऐसे लोग समाज में होते हैं, जब कहीं भंडारा में, तेरही में, शादी विवाह में अच्छा अच्छा खाना बनता है, चार मिनट की सब्जियां बनता है, तो वो लोग वहीं जो वहाँ पर जाते हैं तो ऐसे खाते हैं जैसे कई दिन के भूखे प्यासे रहते हैं। यही सोचता हूँ, यही देखता हूँ, तो सोचता हूँ कि भगवान ने सब कुछ, जिन्हें सब कुछ दिया है, वो लोग तरस रहे हैं दाने दाने के लिए, एक एक रुपये के लिए। जानते हैं वो लोग अपने घर में इसलिए नहीं खा पाते हैं अच्छे खाने, पेट भर खाने, क्योंकि वो लोग बचाते हैं, एक एक रुपये के लिए तरसते हैं, एक एक रुपया जुटाते हैं, इसलिए नहीं खा पाते बेचारे। और एक गरीब इंसान घर कर आता है और फूल पेड़ खाता है, अच्छा भोजन करता है और चैन की नींद सोता है, और वो लोग नींद भी नहीं ले पाते चैन से। बताइए, ऐसे ऐसे विचार के लोग समाज में रहते हैं कि भगवान ने सब कुछ देने के बाद भी इनके नसीब में नहीं है खाने के लिए।